नमस्कार दोस्तों, अपन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो पाचन तंत्र में अपन ने पढ़ लिया था वो गुहा में होने वाला पाचन, फिर उसके पश्चात आमाशय में जो पाचन होता है, छोटी आंत में जो पाचन की क्रिया होती है वो अपन ने देख लिया था। इसके अलावा आहार नाल तथा सहायक ग्रंथियां जो होती है, पाचक ग्रंथियां, लार ग्रंथि, यकृत तथा अग्नाशय ग्रंथि, इनके बारे में अपन ने थोड़ा बहुत देख लिया था। अभी अपन डिस्कस करेंगे जो आंत्ररस स्त्रावित होता है ग्रहणी के द्वारा, यानी छोटी आंत की जो ग्रहणी होती है उसमें सबसे ज्यादा पाचन होता है, लेकिन उसके पश्चात भी जो शेषांत्र वाला भाग है उसमें भी पाचन की प्रक्रिया होती है। तो वो जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो आंतरिक रस के द्वारा स्त्रावित जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा होती है। तो आंतरिक रस द्वारा स्त्रावित एंजाइम कौन से होते हैं वो अभी अपन देखेंगे। आंतरिक रस जो स्त्रावित होते हैं वो ग्रहणी द्वारा स्त्रावित होता है। किसके द्वारा स्त्रावित होता है? ग्रहणी के द्वारा आंतरस स्त्रावित होता है। ग्रहणी में ब्रूनर ग्रंथियां, ग्रहणी जो है इसमें ब्रूनर व लीवर कोहन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्रहणी में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ब्रूनर तथा लीवर कोहन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आंतरस को स्त्रावित करती हैं और प्रतिदिन 6 से 7 लीटर आंतरस स्त्रावित होता है। कितना होता है? 6 से 7 लीटर आंतरस स्त्रावित होता है। तो आंतरस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज, इरेप्सिन, माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज, इरेप्सिन, एंटीरोकाइनेज, ये एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? आंतरस में पाए जाते हैं। तो माल्टेज जो होते हैं, माल्टेज का कार्य है ग्लूकोज को, माल्टेज का कार्य है माल्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदलना। यह क्या करता है? माल्टोज को बदलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कौन बदलता है? माल्टेज बदलता है माल्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। लेक्टोज, लेक्टोज जो है, लेक्टेज जो एंजाइम है वो लेक्टेज एंजाइम लेक्टोज को ग्लूकोज प्लस, ये क्या करता है? माल्टेज एंजाइम क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है। लेक्टेज लेक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदलता है। सुक्रोज ये क्या करता है? ये सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को फ्रुक्टोज व ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज को क्या करता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में ये बदलता है। और फ्रुक्टोज जो है वो क्या है? सबसे मीठी शर्करा। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रुक्टोज। इस प्रकार ये इसमें बदलता है। इरेप्सिन,
इरेप्शन क्या करता है, ये पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। फिर लास्ट का है एंटीरोकाइनेज, तो एंटीरोकाइनेज जो है ये निष्क्रिय ट्रिप्सिन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है, निष्क्रिय ट्रिप्सिन को किसमें बदलता है, सक्रिय ट्रिप्सिन में। तो इस प्रकार आंतरिक रस जो है वो ग्रहणी द्वारा में पाए जाने वाले ब्रूनर व लीवर को कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसमें अंतरस स्रावित होता है जो 6 से 7 लीटर होता है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, इरेप्शन और एंटीरोकाइनेज, ये एंजाइम स्रावित होते हैं। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है, लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है, इरेप्शन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, तथा एंटीरोकाइनेज निष्क्रिय ट्रिप्सिन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य ये करता है। इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया जो है ये अंतरस द्वारा स्रावित जो एंजाइम है उनमें एंजाइम से ये पाचन की प्रक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। अब अपन बात करेंगे, यहां तक तो अपन देख लिया पाचन की प्रक्रिया। पाचन के बाद जो चौथा चरण आता है वो होता है अवशोषण का। अवशोषण की प्रक्रिया में जो पचा हुआ भोजन है वो छोटी आंत के रसांकुर जो होते हैं उन रसांकुर से भोजन क्या होता है, अवशोषित होता है, तथा अवशोषण के पश्चात ये रसांकुर से होता हुआ वाहिनियों में जो रुधिर बहता है उनमें चला जाता है और वहां से प्रत्येक कोशिका तक ये भोजन जाता है अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा। तो अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो शरीर के कौन से भाग में शुरू होती है, तो अवशोषण सबसे पहले आमाशय में शुरू होता है। तो आमाशय में किसका अवशोषण होता है ये अपन देखेंगे। अवशोषण, तो अवशोषण की प्रक्रिया में आमाशय में किसका अवशोषण होता है, तो यहां पे जल, खनिज लवण, तथा विटामिन एल्कोहल का अवशोषण कहां होता है, आमाशय में होता है। अब छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में पहली बात तो छोटी आंत में जो पचा हुआ भोजन है वो सबसे पहले जाता है यकृत में, और यकृत क्या करता है, जो प्रोटीन और जो ग्लूकोज है जो एमिनो अम्ल के रूप में है, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज जो विघटित हुए हैं इनको ये क्या करता है, जीव के शरीर के अनुसार परिवर्तित करता है, जीव के शरीर के अनुसार प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, कौन, यकृत। यानी छोटी आंत में पचा हुआ भोजन यकृत में जाता है और यहां पर भोजन का पाचन की आगे की प्रक्रिया संपन्न होती है, किसमें, यकृत। यकृत में जो बचा हुआ वजन ये यकृत में जाएगा और एमिनो अम्ल और जो ग्लूकोज हैं जो छोटी इकाइयां हैं वो छोटी इकाइयां शरीर के आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर दी जाती हैं। तो छोटी आंत में पचा हुआ भोजन इस प्रकार यहां जाता है। शर्करा जो है छोटी आंत में जो शर्करा का पाचन होता है उस पाचन के पश्चात शर्करा के अवशोषण के लिए हेतु सोडियम आयन आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, शर्करा के अवशोषण के लिए सोडियम आयन आवश्यक होते हैं। अब अपन बात करें जो छोटी आंत में रसांकुर होते हैं ये रसांकुर इस प्रकार के होते हैं,
इस प्रकार के ये रसायन पूर्ण पाए जाते हैं, इनसे अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब वसा का अवशोषण जो है ये रसांकुर नहीं कर पाते, तो वसा के अवशोषण के लिए लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो इन रसांकुर के मध्य ही पाई जाती हैं। कौन सी? लसिका कोशिका। तो वसा का अवशोषण इन लसिका कोशिकाओं द्वारा, वसा का अवशोषण होता है तथा ये लसिका कोशिकाएं इस वसा को लसिका तंत्र में ले जाती हैं, और लसिका तंत्र जो है वो क्या करता है, फिर उसको रुधिर में पहुंचा देता है। किसको? इस अवशोषित इस वसा को, जो पचा हुआ वसा है, वसा प्लस ग्लिसरॉल, वसा प्लस ग्लिसरॉल जो पचा हुआ है, इसका अवशोषण किसके द्वारा होता है? लसिका कोशिकाओं द्वारा। और लसिका कोशिकाएं भी लसिका परिसंचरण तंत्र में पहुंचती हैं, उसको पहुंचा देती हैं वसा को और ग्लिसरॉल को, तथा फिर उसके बाद पूरे रक्त में ये प्रवाहित कर दी जाती है। नेक्स्ट है, ये तो है अवशोषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है समवांगीकरण। समवांगीकरण की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया प्रत्येक कोशिका में संपन्न होती है, यानी पचा हुआ भोजन प्रत्येक कोशिका द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा यहां पर उसका उपयोग शरीर की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? समवांगीकरण कहा जाता है। तो समवांगीकरण में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तथा वसा है वो शरीर की आवश्यकता के अनुसार शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाती हैं और वहां पर उसका उपयोग किया जाता है, वहीं से ऊर्जा का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा का शक्ति ग्रह है, जहां पर कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और CO2 प्लस जल तथा साथ में ऊर्जा भी निकलती है। इस प्रकार ये समांगीकरण प्रक्रिया होती है। अब अपन बात करेंगे शरीर में जो पाई जाती है एक ग्रंथ, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे यकृत कहा जाता है, ये यकृत। तो यकृत जो है वो पाचक ग्रंथियों में शामिल होती है, इसके बारे में अपन देखेंगे। अपन ने लार ग्रंथि के बारे में देख लिया, अभी अपन देखेंगे यकृत। तो यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है, यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। यकृत जो है वो शरीर की प्रयोगशाला रसायनशाला सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? यकृत ही होता है। तो यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग, भी कौन है? यकृत ही है। तो यकृत जो है इसके कार्य क्या क्या है, यकृत के कार्य क्या क्या है, ये अपन देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे कार्य हैं यकृत के। तो यकृत का पाचन में अपन बात करें तो पहला तो इसका कार्य है पित्त रस का स्त्राव करना। पहला इसका कार्य क्या है? पित्त रस का स्त्राव करता है। और पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो पित्त रस क्या करता है? भोजन को क्षारीय करता है। और भोजन के क्षारीयकरण के कारण क्या होता है? बैक्टीरिया को नष्ट करता है।
नष्ट करने का कार्य कौन करेगा? यह कृत का पित्तरस करता है। इसके अलावा ये निष्क्रिय, ये क्या करता है? निष्क्रिय लाइपेज वह अग्नाशयी रस को सक्रिय करता है। निष्क्रिय लाइपेज और अग्नाशय रस जो है उसको क्या करता है? सक्रिय करता है। पांचवा इसका कार्य है हिप्पेरिन का स्त्राव करना। ये क्या करता है? हिप्पेरिन का स्त्राव करता है और हिप्पेरिन क्या करता है? रुधिर को जमने से रोकता है। जिससे रुधिर क्या होता है? रुधिर अपनी वाहिनियों में लगातार गति करता रहता है। छठा इसका कार्य है उफर कोशिकाएं बैक्टीरिया को मारने का कार्य करती है। क्या करती हैं? बैक्टीरिया को मारने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? उफर कोशिकाएं करती हैं। सातवां इसका कार्य है भ्रूण अवस्था में रुधिर का निर्माण। भ्रूण अवस्था में रुधिर का निर्माण कहां होता है? यकृत में ही संपन्न होता है। आठवां इसका कार्य है प्रोटीन व एमिनो एसिड को यूरिया में बदलता है। प्रोटीन व एमिनो एसिड को किसमें बदलता है? यूरिया में यह बदलने का कार्य करता है। फिर इसका कार्य है आरबीसी का विघटन करना। नौवां इसका कार्य है आरबीसी का विघटन करना। दसवां इसका कार्य है यह आरबीसी जो विघटित होती है इसमें ये फिर बिल रूबिन व बिल विरिडिन वर्णक में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। दसवां इसका कार्य है विटामिन डी विटामिन बी लोहा व कॉपर को संग्रहित करना। ये संग्रहित करने का कार्य करता है। ग्यारहवां इसका कार्य है उत्सर्जन में सहायक क्योंकि ये यूरिया का निर्माण करता है। बार बार इसका कार्य है उत्सर्जन में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में यह संग्रहित करने का कार्य करता है। इसके अलावा इसका कार्य है विषयुक्त पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करना। विषयुक्त पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करना यानी विषाक्त रहित तो इस विषयुक्त पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। डिटॉक्सिफाई करने के लिए विषयुक्त पदार्थों को डिटॉक्सिफाई किस प्रकार करता है? साइटोक्रोम P450 द्वारा ये क्या करता है? विषयुक्त पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करने का ये कार्य करता है। ये क्या होता है? ये एक इंजन। चौदहवां इसका कार्य है फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण ये करता है।
इसके अलावा विटामिन के का संग्रहण करता है, विटामिन के को ये क्या करता है, संग्रहित करने का कार्य करता है। इसके अलावा इसमें जो कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कुफर कोशिकाएं क्या करती हैं, वसा को अवशोषित करती हैं। किस प्रकार, इस वसा को ये क्या करती हैं, साधारण वसा में बदलती है। किसमें बदलती है, साधारण वसा में बदलने का कार्य करती है। इस प्रकार ये जितने भी कार्य किसके हैं, ये सारे यकृत के कार्य हैं। अब अपन देखेंगे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये है कि इसके द्वारा स्त्रावित पदार्थ वही स्त्रावी और अंतः स्त्रावी दोनों प्रकार कार्य करते हैं। वही स्त्रावी और अंतः स्त्रावी, वही स्त्रावी भाग के द्वारा पाचक एंजाइम स्त्रावित होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, ये एंजाइम किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं, वही स्त्रावी भाग के द्वारा स्त्रावित होते हैं। अंतः स्त्रावी भाग में जो एंजाइम स्त्रावित होते हैं, सॉरी वही स्त्रावी भाग के द्वारा हार्मोन स्त्रावित होते हैं, और ये हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होते हैं। ये लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल के द्वारा, अल्फा सेल क्या करती है, इसके द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन स्त्रावित होता है। बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन और गामा सेल के द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्त्रावित होता है। ग्लूकेगोन क्या करता है, यह है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन किसमें संग्रहित रहता है, यकृत में। और यकृत के अलावा ये जो फंजाई है उसमें भी संग्रहित भोजन किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इंसुलिन ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज, मिलेटिस, डायबिटीज मिलेटिस हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज भी इसे बोलते हैं। सोमेटोस्टेटिन क्या है, ये एक लिंग हार्मोन है। सोमेटोस्टेटिन क्या है, ये सोमेटोस्टेटिन जो है वो क्या है, एक वृद्धि हार्मोन है। ये क्या है, वृद्धि हार्मोन है जो वृद्धि को निर्धारित करता है। इस प्रकार अपन ने पूरा देखा पाचन तंत्र के बारे में, पाचन आहार नाल क्या होती है तथा पाचक सहायक ग्रंथियां कौन सी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।